हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज अपने स्टूडियो में हम बात करने वाले कल यानी कि 28 मई एक्सपायरी के बारे में। यहां पे कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है और किस तरीके से ऑप्शन चेन डेटा बनते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज के दिन का जो दिन रहा वो दोस्तों मंदड़ियों के लिए बहुत ही बुरा रहा। क्योंकि जिस तरीके से आज के दिन यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग और एक फ्रेश बाइंग का सिलसिला देखने को मिला, आज सारे मंदड़िए जिन्होंने कल के दिन यहाँ पे शॉर्ट पोजिशन बनाई थी सभी लोग बुरी तरीके से ट्रैप होते हुए दिखाई दिए। और अब यहाँ पे जो निफ्टी है 9300 के पार क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे क्या कल के दिन 9500 तक हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आज बात करने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं आज के मार्केट की कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। तो यहाँ पे आज के दिन निफ्टी जो बंद हुआ है 9315 के आसपास यहाँ पे निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई दिया। दिन भर यहाँ पे 9000 के आसपास हम गए थे दिन में और उसके बाद यहाँ पे सेकेंड हाफ के बाद अच्छी खासी तेजी देखने को मिली निफ्टी में और 250-300 पॉइंट तक की तगड़ी तेजी यहाँ पे हम देखने को मिले। दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास जाके निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया, 9334 आज के दिन का हाई था, 9315 के आसपास यहाँ पे एडजस्टेड क्लोजिंग आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पे गेनर था वो था यहाँ पे बैंक निफ्टी। दिन भर यहाँ पे कामकाज हुआ, 18000 के लेवल जैसे ही यहाँ पे निकले एक तेज शॉर्ट कवरिंग सेकेंड हाफ में देखने को मिली और यहाँ पे दिन के हाईएस्ट लेवल के आसपास कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। 18710 यहाँ पे क्लोजिंग आती हुई दिखाई दिया, 18874 का बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हाई था, आज के दिन का इंट्राडे हाई लगता हुआ दिखाई दिया। लेकिन निफ्टी के यहाँ पे अगर गेनर की बात करते हैं तो निफ्टी में आज के दिन एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, विप्रो, ग्रासिम और बजाज फाइनेंस ये स्टॉक थे जहाँ पे 6 से लेके 14% तक की तगड़ी तेजी देखने को मिली आज के दिन। लेकिन वहीं लूजर की बात कर लें, सन फार्मा के नतीजे आए और मार्केट में थोड़े से गिरावट देखने को मिली 2% के आसपास। अल्ट्राटेक में भी 1.5% की कमजोरी रही, 1% की गिरावट यहाँ पे जी लिमिटेड में देखने को मिली। टाइटन भी यहाँ पे 1% के आसपास तक टूटता हुआ दिखाई दिया बुरी खबरों के कारण और एशियन पेंट भी यहाँ पे 0.84% तक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब यहाँ बात करते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा की। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जबरदस्त डेटा बनता हुआ आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। कल के दिन जहाँ हम 9000 के लेवल की बात कर रहे थे जहाँ पे पुट पे 33 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट था, आज यहाँ पे पुट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ के 44-45 लाख शेयरों के आसपास हो गया और 13 लाख शेयरों की अच्छी खासी यहाँ पे एडिशन देखने को मिली है और यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दिए। और सबसे बड़ी चीज़ देखें तो यहाँ पे आप देखिए 9000 के कॉल पे जहाँ पे सिर्फ 11 लाख शेयर बचे और 8,82,000 शेयरों की अनवाइंडिंग देखने को मिली। कल हमने बात भी की थी कि यहाँ पे 9100-9200 पे जबरदस्त कॉल राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है और आज यही लेवल है जहाँ पे सबसे ज्यादा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, क्योंकि ये सारे सारे लोग जो है फंसते हुए दिखाई दिए। 9100 के अगर कॉल की बात करें तो 13,63,000 शेयर निकलते हुए दिखाई दिए, वहीं 9200 के कॉल की बात करें तो 18,75,000 शेयर की अनवाइंडिंग देखने को मिली है। 9300 के कॉल की भी बात करें तो एक छोटा सा एडिशन सिर्फ और सिर्फ 1,00,000-2,00,000 शेयरों का देखने को मिला आपको यहाँ पे और टोटल जो ओपन इंटरेस्ट है 26,16,000 शेयरों की अभी भी यहाँ पे बनी हुई है। तो कॉल में यहाँ पे एक उम्मीद है कि कल यहाँ पे आपको 9300 के आसपास एक छोटा समय देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर ये लेवल निकल जाता है तो फिर यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से ये भी जो है 9300 के कॉल राइटर्स जो है वो यहाँ फंसते हुए दिखाई देंगे और जो बेस है पुट साइड में वो शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 9000 के जो पुट पे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद यहाँ पे 9100 के पुट पे भी 14 लाख शेयरों का आज एडिशन देखने को मिला, टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है वो हो गया 24 लाख शेयरों के आसपास। 15 लाख शेयरों का बड़ा एडिशन आज के दिन 9200 के पुट पे देखने को मिला और टोटल यहाँ ओपन इंटरेस्ट हो गया 20 लाख शेयरों से ज़्यादा का और 9300 के पुट पे भी 13 लाख शेयरों का फ्रेश एडिशन देखने को मिला, टोटल ओपन इंटरेस्ट है 17 लाख शेयरों के आसपास का। कहीं ना कहीं यहाँ पे 9200-9100 का जो लेवल था एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो रहा था और हमने कल भी बात की थी कि जब तक 9200 के लेवल के ऊपर यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग नहीं देगा तब तक एक तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। कल हमने जो रेंज की भी बात की थी वो हमने बात की थी कि कहीं ना कहीं एक्सपायरी जो वो 8800 से 9200 के बीच हो सकती है, अगर ये रेंज किसी भी साइड टूटेगी तो एक बड़ा मूव आता दिखाई देगा, जो कि आज पहली बार देखने को मिला कि हम 9300 के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं और 9200 टूटते ही हमने 9300 के लेवल को पार कर लिया इंट्राडे में।
और यहाँ पे कल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा 9,500 का लेवल, जो कि अपसाइड में एक बड़ा रेजिस्टेंस है। 29 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 2 लाख शेयर आज यहाँ जुड़े, उतनी बड़ी एडिशन देखने को नहीं मिल रही है, फिर भी 9,500 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल कल के लिए यहाँ पे कामकाज करता हुआ दिखाई दे सकता है। और जिस तरीके से यहाँ पे पुट में अच्छी खासी राइटिंग आज के दिन देखने को मिल रही है, ग्लोबल मार्केट्स यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे कहीं ना कहीं 9,200 जो होगा वो अब स्ट्रॉन्ग बेस का कामकाज करेगा, क्योंकि हमने स्ट्रॉन्गली आज इस लेवल को यहाँ पे पार किया है। तो यहाँ पे अब 9,200 का जो लेवल होगा कल किसी भी तरीके से टूटने के चांसेस वो कम नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9,200 के लेवल और 9,300 के लेवल पे अच्छे खासे पुट एडिशन देखने को मिल रहा है। और कल अगर मार्केट यहाँ 9,200 के आसपास तक भी अगर एक्सपायर होता है तो एक अच्छी खासी मंथली क्लोजिंग ये कही जा सकती है। लेकिन अगर अपसाइड की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है 9,500 तक यहाँ पे जाता हुआ कल के दिन शायद दिखाई दे सकता है, हो सकता है वहाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले। लेकिन कल की जो एक बड़ी रेंज की अगर हम बात करें, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से कामकाज कर रहा है, कल मार्केट एक बड़ी रेंज में शायद रह सकता है। तो यहां पे आपको 9,200 से लेके 9,500 का जो लेवल है वो कल आपको हो सकता है कि आपको देखने को मिले, जहां पे मार्केट कल के दिन कामकाज करता हुआ दिखाई दे। लेकिन अगर बात कर ले यहाँ पे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग देखने को मिली 18,710 के आसपास, और सबसे इंपॉर्टेंट रैली जो आज देखने को मिली वो यहीं देखने को मिली। और जो ऑप्शन डेटा यहाँ पे बता रहे हैं वो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन डेटा बनते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ तो कल के दिन यहाँ पे जिस तरीके से 18,000 का कॉल, जिसके ऊपर हमने यहाँ पे बात की थी कि सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 10 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट था, आज यहाँ पे तगड़ी अनवाइंडिंग देखने मिली, 6,60,000 शेयर यहाँ से निकलते हुए दिखाई दिए, और उसके कारण यहाँ पे अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग का सिलसिला दिखाई दिया। 18,200 के कॉल पे नजर डालिए, 1,80,000 शेयर यहाँ से निकलते हुए दिखाई दिए, और 18,500 के कॉल पे भी यहाँ पे 3,50,000 शेयरों का जो ओपन इंटरेस्ट था वो निकलता हुआ दिखाई दिया, और सिर्फ 2,68,000 शेयर ही यहाँ पे आपको एडिशन अब दिखाई देगा टोटल ओपन इंटरेस्ट में। और जो पूरी सिचुएशन है वो शिफ्ट होकर अब 19,000 के कॉल पे कहीं ना कहीं शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है, और 6,96,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट अब यहाँ 19,000 के कॉल पे। तो कल के लिए जो बैंक निफ्टी के लिए पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 19,000 के आसपास का होता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1,06,000 शेयर आज ही जुड़ते हुए दिखाई दिए, और अगर 19,000 का लेवल पार होगा तो फिर जो दूसरा बड़ा ओपन इंटरेस्ट है वो आपको 19,500 में 4,33,000 शेयरों का यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो कल कहीं ना कहीं 19,000 के आसपास तक आपको बैंक निफ्टी रिटेस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर सपोर्ट की बात करें तो जो सपोर्ट है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से 18,000 पे शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट आज यहाँ पे ऐड होता हुआ दिखाई दिया, टोटल ओआई जो है 7 लाख शेयरों का आपको यहाँ दिखाई देगा, जहाँ 6 लाख शेयर आज के दिन जुड़े हैं। कमजोर शॉर्ट से लेकिन यहाँ पे पुट में अच्छी खासी राइटिंग की, और यहाँ पे कॉन्फिडेंस दर्शाता है पुट राइटर्स का कि किस तरीके से 18,000 का जो लेवल पार हुआ, अब वही एक स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे कल बैंक निफ्टी के लिए बनता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर सबसे पास के ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे 3,48,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट जो है वो 18,500 के पुट पे बना हुआ है, जहाँ पे 3,13,000 शेयर आज ही यहाँ पे नए जुड़ते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं कल के लिए यहाँ पे 18,500 से लेके 19,000 का जो लेवल होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इस कहीं रेंज में जाके बैंक निफ्टी आपको एक्सपायर होता हुआ दिखाई दे सकता है कल के लिए, क्योंकि 18,500 के पुट पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट जुड़ता हुआ दिखाई दिया आज के दिन में। 18,500 टूट भी गया अगर तो 18,200 से 18,000 के आसपास का जो लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से तेजी हुई है तो हो सकता है यहाँ पे कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला कल आपको दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है 200-400 पॉइंट की आपको कुछ गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाए, फिर भी 18,000 का लेवल कल के लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो कि टूटने के चांसेस ना के बराबर नजर आते हैं। लेकिन अब मार्केट में कहा नहीं सकता कि अगर कोई बुरी न्यूज आ गई तो टूट सकता है, लेकिन एक्सपायरी के लिए ये संकेत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप की जो एक्सपायरी है कहीं ना कहीं 18,000 से लेके 19,000 के बीच हो सकती है। और अगर ब्रॉड रेंज की बात करें और एकदम डिसाइसिव रेंज की, तो 18,500 से 19,000 का ये जो लेवल है ये आपको बैंक निफ्टी के लिए कल के दिन एक्सपायरी के लिए परफेक्ट लेवल दिखाई देता है, जहां पे हम एक्सपायर हो सकते हैं, क्योंकि 19,000 के कॉल पे जितना ओपन इंटरेस्ट है उसका पार होना कल शायद यहां पे मुमकिन दिखाई नहीं देता, और 18,500 18,000 के नीचे भी मार्केट जाता हुआ दिखाई सकता है। तो 1,000 पॉइंट 500 पॉइंट की ये रेंज ऐसी हो सकती है जहाँ पे कल बैंक निफ्टी आपको एक्सपायर हो सकता है, क्योंकि निफ्टी के मुकाबले यहाँ पे बैंक निफ्टी अब लीडिंग करते हुए दिखाई दे रहा है, और बैंक निफ्टी यहाँ पे लीड करता है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में मजबूती ज्यादा देखने को मिल सकती है।
जिस तरीके से आज यहाँ पे जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस सेक्टर था और यहाँ पे अब लोगों को यहाँ पे कुछ वैल्यू दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े बैंक्स पे, तो यहाँ पे अच्छे खासे अगर बैंकों में बाइंग होते हुए दिखाई देते हैं, फ्रेश बाइंग सिलसिला चालू होता है, तो डेफिनेटली आपको फिर ये जून सीरीज में बैंक निफ्टी जो है वो आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है निफ्टी को। और यहाँ पे कल देखने वाली बात ये भी होगी कि किस तरीके की यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग और साथ ही साथ नई फ्रेश बाइंग और रोल ओवर के डेटा किस तरीके से बनते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।